लो साहब, चुनाव चुनाव करता करता चुनाव माथा पे आई गयो। सोमवार से बोर्ड डलवाक श्री गणेश भी हुई गयो। आनी बार का चुनाव में निर्वाचन आयोग वाला भाई उन्हें एक नवी व्यवस्था लेके आया, जो दिव्यांग है, जो बड़ा बूढ़ा है, चली फिर सके, विनका लिए भी घर बैठा बोर्ड डलवाक व्यवस्था जमाई है। आखा जिला में 80 साल ऊपर का बड़ा बूढ़ा दिव्यांग ऐसा कोई 1807 जना उनने घर बैठे वोट देवा फॉर्म भरियो तो सोमवार से बुधवार तक कर्मचारी उन इनसे घरे घर जाकर वोट उन डलवाएगा। इनका अलावा आखा जिला में जितना सरकारी कर्मचारी है विनका वोट डलवाक शुरुआत हुई है। चुनाव में ड्यूटी करवा वाला कर्मचारी उन 9 नवंबर तक पोस्टल बैलेट का जरिए वोट डाल ही सकेगा। देखिए, पहली बार ट्रेनिंग पूरे मतदान दल की हो रही है। विधानसभा अलॉट हो चुकी है तो पहली बार मतदान दल का आपस में परिचय यहाँ हो रहा है। इसके पहले जो ट्रेनिंग थी सिर्फ P0 और P1 की थी और यहीं पे चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार फैसिलिटेशन सेंटर बनाए हैं जहां उनको डाक मतपत्र वोट देना है, उसकी व्यवस्था यहां की गई है। कितने कर्मचारी थे लगभग जिनकी वोटिंग? देखिए, 4 दिनों में लगभग 8,000 कर्मचारी यहां ट्रेनिंग ले रहे हैं और 8,000 की वोटिंग करानी है। उज्जैन उत्तर में भाजपा वाला भाई उन भले दावो करी रहा पारस जी की नाराजगी दूर हुई है। वी मैदान में कूदी पड़े ना आखा मन से चुनाव में काम करेगा, इस ओके ना पड़े। हकीकत में तो पारस जी वाला खेमक दर्द कहीं ना कहीं सामने आ ही रही है। जज से विधानसभा टिकट कटो नहीं, जज से जिनका दाएं बाएं वाला उनने कहीं ना कहीं ऐसी हरकत करी रहा जो उत्तर में भाजपा वाला उनके लिए ठीक नहीं। अबे यह पोस्टर देख लो, वार्ड नंबर 29 को भाजपा भाई बहने उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक पे एक जना ने पोस्ट डाली, पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय वाला विचार की पोस्ट। एक में लिखा था को कोई भी बुरा प्रत्याशी खाली हणी वास्ते वोट पावा का हकदार नहीं हुई जा, क्योंकि वो एक अच्छा दल की तरफ से खड़ो हुए। भाई कजो कहीं कहना चाह रहा, जो कहना चाह रहा अभी के और कोई समझे नहीं समझे, उत्तर का भाजपा वाला तो समझी गया। पोस्ट डालवा वाला को यो जो नंबर दिखी रहे हो नहीं, यो भाई साहब पुरुषोत्तम टेलर जी को नंबर है। अबे पुरुषोत्तम टेलर जी कौन? यो भी उत्तर वाला भाजपा सगला नेता जी उन जाने। उज्जैन के चिमनगंज वाली मंडी के बाहरों का आगर रोड नहीं ना, रोड पे चक्का जाम करता किसान, या खातर वाली परेशानी है। शनिवार कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने अधिकारी ना की एक मीटिंग लेकर इनके टाइट करो तो टाइट यू के खाद बांटो वाली व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। शनिवार की आवाज ने रविवार अधिकारी उनने नवाज खेल जमा दियो। शनिवार मंडी वाली सोसाइटी में नरासरा किसान भाई उन खाद लेवान पहुंचा था, यहाँ सगड़ा टोकन बांटे सबको कह दो सोमवार आ जाओ। बापड़ा सगला सोमवार आया तो यहाँ पता चले जितनी खाद थी वह तो रविवार बटीगी। बताओ छुट्टी का दिन खाद बटीगी, जिनके टोकन मिला था वी टूंगता रह गया। हंगामा हो क्या नहीं होए? हुयो, चक्का जाम भी हुयो। एडीएम लक्ष्मी नारायण जी भी यहाँ पहुंचा, हालात हद से बाहर हुआ था। अधिकारी केवा लगेगा मुल्लापुरा वाला गोदाम पर चले जाओ, वहां बोरिया मिली जाएगा। किसान बात मानवा के तैयार नहीं, बड़ी मुश्किल पड़ी, बात तूल पर थी चढ़ी। किसान लगाई रहा था आरोप उनकी झड़ी, बजी रही थी तड़तड़ी। प्रशासन वाला जी के हमजी रहा था सड़ी, वह बात थी बड़ी। गंज देर में मामलो काबू में आयो। सोमवार के दिन बोला कि सोमवार के दिन खाद मिलेंगे, कलेक्टर साहब ने काला बाजारी करवा के बेचा दिया। क्यों बेचा? कलेक्टर साहब ने हमको भी बोला कि इनने खाद वाले ने कि सोमवार को मिलेंगे, हम रविवार शाम से यहाँ आके सोए हैं। क्या मतलब है हमारा सोने का? सोने की वीडियो है मेरे पास, सोने की वीडियो है, जिनके बाद भी आप बोल रहे हैं कि वहाँ जाओ यहाँ जाओ, सब चूतिया बना रहे हैं। कलेक्टर साहब बेचा, बेचते किसान है अभी यहाँ पे 2,000 किसान है, 2,000 किसान है। और अब निवेदन है कि क्या करें, हम कहाँ जाएं? मुल्लापुरा जाने का बोल रहे हैं। वो मुल्लापुरा झूठ बोल के भगा रहे हैं सर, यहाँ से भगा रहे हैं, खाद ही नहीं है वहाँ पे, खाद ही नहीं है, भगा रहे हैं। और यहाँ पे बोर्ड लगाया है, चूंकि इनकी मशीन में चढ़ता है तो रात को 9 बजे तक मशीन में नहीं चढ़ा था, तो यहाँ लिख दिया था शनिवार इतवार की छुट्टी है, सोमवार को वितरित करेंगे। लेकिन लेकिन शनिवार को रात को देर रात को इनकी मशीन में चढ़ा, सुबह यहाँ पे 500-600 किसान आ गए, उन्होंने हंगामा किया। तो प्रशासन से निर्देश, प्रशासन ने निर्देश दिए कि जो है उनको टोकन बांट के बांट दो। शनिवार को दिन भर बटा, कुछ बचा था उनको शनिवार को रात को टोकन दिया गया, कल फिर बांटे गए। और कल वितरण व्यवस्था देखने एडीएम साहब स्वयं यहीं पर रहे दिन में, आप चाहे तो मैं फोटो भी दिखा सकता हूँ। और खाद खत्म हो गया। अब चूंकि ये लोग संभवतः वो है जो शुक्रवार को वापस लौट गए हैं, शनिवार सोमवार जब लौटे ना सर, बोलने पे ही लौटे, वही बोल रहे हैं। अब चूंकि यहाँ पे अभी खाद नहीं है,
खाद इस समय डीएमओ के गोदाम मुल्लापुरा में है, बट रहा है, हमारा सबसे निवेदन है वहां जाके ले लें। किसान के बोनी वास्ते तीन चीज जरूरी है, पानी, यूरिया, पानी खातर बिजली। हर साल कोरोना हुई गयो, नी तो टेम पे खातर मिली पाए, नी टेम थी बिजली। साजापुर जिला वाला भरड़ का बिजली कंपनी का ऑफिस का बाहर है। सोमवार कोई छह गांव वाला किसान भाई उन बेला हुई गया। सिंचाई खातिर बिजली चाह रही थी 10 घंटा, इनके मिली पैरी खाली 1 घंटा। इतरो टेम तो पाइप पलटा हुआ में स्टार्टर चालू करवा में निकली जाए। 7 दंड पिला आज अधिकारी उनके गांव वाला भाई उन नहीं कवर हम बताई दियो तो कनावड़ा उनका कांड पे जू बिन रहेगी। सोमवारी दफोर गोपीपुर लोहरवार भरड़ दिलोदरी बना खेड़ा ने एरे मेरे का दूजा गांव वाला भरड़ वाला ऑफिस में पहुंची गया। यहाँ आज कंडा मंगाया, दाल मंगाई, आटा मंगाया, ऑफिस का बाहर जमी गया। ये सब कह रहा कि तुम्हारी मर्जी हो तो लेन वेन ठीक करे के 10 घंटा बिजली दे दो, नहीं तो यहाँ तू नहीं तापांगा, यहाँ दाल बाटी खाएंगा, यहाँ प्रमुख गुण गाएंगा। यो किसान उन पे को सीधो सट तमाचो है, तमाचो विन लोगांक मुंडा पे जो आखा प्रदेश में बिजली को उत्पादन ने वितरण सुधरवाक दावो करी रहा। किसान तो यूं भी कह रहा कि कोई भी नेता जी हमारा गांव में वोट मांगवाने मत आई जाओ। आज ये गोपीपुर लोहरवास भरड़ दिलोदरी बनाखेड़ी छतगांव चोसला सभी गांव के लोग आए हैं। इन गांव के लाइट इस ग्रिड से चलती है, पीछे जो दिख रहा है। आज से करीब 6-7 दिन पहले हम लोगों ने डी साहब को और सुपरवाइजर साहब को और सी साहब को तीनों को अवगत करा था कि गांव की लाइट जो 10 घंटे सिंचाई पंप चलना चाहिए वो मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे ही चल पा रहा है। तो मेरे ख्याल से उसी दिन उनको मालूम पड़ा होगा कि ये समस्या है। आज 7 दिन हो गए हैं, कोई निराकरण ये लोग कर नहीं पाए हैं। और आज भी हम लोग इकट्ठे होते हैं, इनके पास शिकायत लेके जाते हैं ऑफिस में, तो ये पेपर पे कुछ कैलकुलेशन है, पहले दिन सारा मेगा करते हैं और होता कुछ भी नहीं है। सभी लोग परेशान हो गए और आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आज तीन बजे रात से जब रात की लाइट नहीं चली तो रात से ये यहाँ पे हैं सभी। और ऐसा लग रहा है, अब सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि जब तक भीड़ या कुछ गलत काम नहीं किए जाएंगे तब तक बिजली विभाग और प्रशासन हमारी सुनेगा नहीं। लाइट तो घर नहीं जाएंगे। अब सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक ये लाइट ठीक नहीं हो जाती है हम यही रहेंगे, यही खाएंगे, यही सोएंगे। एक ताल को जोड़ना आज की ये के आज रात को शिफ्ट थी 3:01 पर, तो उसी जब आधे घंटे लाइट चली होगी और तार टूट गया उसके कारण सुबह तक लाइट बंद रही। तो सभी ग्रामीणों ने जितने भी गाँव है इधर के उन्होंने सबने यहाँ आके पूरी ग्रिड को बंद करवाई और यहाँ पे सब इकट्ठे हुए। आपने उच्च अधिकारियों की शिकायत करी आपके? हमने सर हमारे सर को फोन लगाया था, मैंने कि सर यहाँ पे सब लोग आए हुए हैं तो इनकी समस्या का समाधान करें, तो वो आए भी थे अभी गए हैं कहीं। क्या नाम है आपका? अरुण कटारिया। उज्जैन जिला महितपुर कने को एक गांव में कोयल, यहाँ से किसान भाई सरवन सिंह जी चौहान ने भी हमारे वीडियो उन भेजा। कोयल गांव वास्ते पेड़ा खदी ग्रिड मंजूर हुई थी, इके उठाई के सुरमान पटलावत में लगवाई थी। कोयल वाला उनसे क्यों कि तुम्हारे वहां से लेन दिलाएगा, पर लेन दिलाई झूठावत से। अभी हाल देखी लो, 10 घंटा में 1 सरीक सिंचाई हुई रही, आनी हिसाब से तो हवा वाली बारिश का वाद तक गांव तैयार हुई पाएगा। कोयल का किसान भाई उन 181 भी ठोकी रहा है। आजकल तो 181 वाला भी सगड़ा नेता जी उन हरी का आश्वासन देवा लगी गया है। 12:30 बजे का टाइम है, 10 मिनट आई थी लाइट, मात्र आधा घंटा भी चली नहीं तो वाल्टे से न कुछ नहीं है। देख लो स्थिति साहब, बिल्कुल बंद पड़ी। हम अभी बैठे हैं, अभी समय क्या हो गया 4:30 बजने को, लाइट बिल्कुल बंद पड़ी हुई। टू व्हीलर खरीदने एवं बेचने के लिए संपर्क करें। बुलेट के सभी मॉडल उपलब्ध, क्लासिक 350, स्टैंडर्ड 350, इलेक्ट्रा 350, रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड, कावासाकी निंजा, हार्ले डेविडसन स्ट्रीट 750,
और साथ ही फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है रिजनेबल ऑटो टॉयज फॉर बिग बॉयज, आरबी जोन चौराहा, फ्रीगंज, उज्जैन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 9981414222, 9993031222। एक सीन आपके साजापुर को भी दिखाऊं। यहाँ साजापुर में दिवाली पेड़ा फटाका वाला उनकी रोजी रोटी का आड़े मोदी जी आई गया। बापड़ा सगड़ा फटाका वाला उनने 20 फटाका उनका सौदा तैयारी करी ले, पर फटाका बाजार खातर जमीन हल तक तय नहीं हो पाई। साजापुर में हर साल दिवाली का पेड़ा को फटाका बाजार जो लगतो थो नहीं, वहाँ 14 मोदी जी की सभा होएगा। आने वास्ते यहाँ परमिशन मिली नहीं सके। नगर पालिका वाला इनके सबके दुपाड़ा रोड भेजनो चाहिए रहा, वहाँ जी के इनके जची नहीं रही। इना चक्कर में सोमवार दफोर सगड़ा फटाका व्यापारी और नगर निगम पहुंची गया नहीं, यहाँ लपक जिंदाबाद मुर्दाबाद करी थी। जगह चिन्हित की है, अगर हमें वहाँ जगह नहीं मिलती है तो हम सारे पटाखे यूनियन वाले जितने भी व्यापारी हैं सारे पटाखे दुकान का बहिष्कार करेंगे और कहीं भी दुकान नहीं लगाएंगे। जितना भी माल है सब जाके हम प्रशासन के यहाँ पटक देंगे कि इसको लो, हमारे जितना भी जो भी बिल है हमारा पेमेंट का करवाओ और हमारा जैसा त्यौहार होगा वैसा हम इस तरह से कर लें। अभी कहीं पर जगह देने की बात चल रही है क्या? जगह जहाँ दी जा रही है वहाँ जगह इतनी कम है कि 80 दुकानें लग के 100 दुकानें जाएगी, कोई पार्किंग की व्यवस्था नहीं है वहाँ, पूरी नाली पड़ी हुई है वहाँ पे, ना लाइट है कुछ, ऊपर हाइटेंशन लाइट है यार, कोई मार्केट बनने की जगह नहीं है। अभी आप नगर पालिका आएंगे क्या, कुछ आश्वासन मिला? अभी तो कोई आश्वासन नहीं मिला है। जो जगह चिन्हित की राम मंदिर की जो जगह है वहाँ पे चिन्हित की गई तो यहाँ पे मैडम ने जो है ना सीएमओ मैडम ने उस पर ऑब्जेक्शन लिया कि हमने कोई परमिशन नहीं दी उसकी। आपका नाम? मैं प्रमोद राठौर। वो आवासीय बस्ती में फटाके बेच रहा है और हमको भेजा जा रहा है शहर के बाहर, तो हमारा निवेदन ये है कि या तो फिर उस थोक व्यापारी को वहाँ से उसका गोदाम हटाए। भैया आपकी मांग का है कहाँ लगाने की? हमारी भूमि राम मंदिर पर जमीन पर लगाना चाहते हैं हम, दुपाड़ा रोड। दिक्कत है हमारे को, जगह सही चीज मिल जाए पूरा फटाके जो सब बस्कार कर देंगे। काय का दुकान नहीं लगाओगे? कोई नहीं लगाएगा। क्या नाम है आपका?